ऐसा लग रहा है मुझे ना कि मेरा अरे मैडम पिछले एक महीने से पागल हो गया क्या? और मैडम कहाँ ध्यान है आपका? आप रोड पे चल रहे हो, आपको ये नहीं पता कि पीछे से गाड़ी आ रही है? आवाज भी लगा रहा हूँ आपको इतनी देर से कि मैडम गाड़ी आ रही है, हट जाओ साइड में हट जाओ, लेकिन पता नहीं कौन सी धुन के अंदर चले जा रही है। अरे आपसे ही बात कर रहा हूँ, हेलो, कहाँ खोए हुए हैं? हैं, अभी आपकी एक लापरवाही की वजह से ना आपकी जान चली जाती। वो जो गाड़ी लेके जा रहा था ना, वो परवाह नहीं कर रहा था कि रोड पे कोई चल रहा है नहीं चल रहा, उसको बस रफ्तार की धुन सवार थी। उसके बाप का शायद ज्यादा ही पैसा था, जैसी बिगड़ी औलाद को गाड़ी पकड़ा दी है, जो बस ऐसी रोड पे चलते लोगों को रोनता रहे। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना होगा, ये लोग परवाह नहीं करते हैं। ये पैसे वाले लोगों को ना किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए और पुलिस केस भी हो जाए तो पैसे देके छूट जाएंगे और आपकी जान चली जाएगी, समझ रही हो आप? वो मेरी ना फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया ऐसे गाड़ी पे। और थैंक यू सो मच, आपने बचाया, नहीं तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मेरा सारा ध्यान मेरे फोन पे था और मुझे एक परसेंट भी अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे पीछे गाड़ी आ रही है। अच्छा, दोस्त का बर्थडे था आपके, और आपके दोस्त के बर्थडे का सेलिब्रेशन ना आपके घर में मातम बन जाता, समझ रही है आप? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप आज बच गई। हर किसी की किस्मत ना आपकी तरह नहीं होती है, हर कोई ना आपको जैसे मैंने आज बचा लिया ना ऐसे नहीं बचा सकता है। अरे आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? मेरे साथ ना ऐसा पहली बार हुआ है, आई स्वेयर आज से पहले कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, और मैं ना आगे से अवेयर होंगी इस चीज को लेकर। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि पहली बार हुआ आगे से नहीं करूंगी। आपको तो मैंने बचा लिया, लेकिन हर किसी का पहली बार ना पहली बार नहीं होता, किसी की इसीलिए आखिरी बार हो जाता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आप बच गई, लेकिन मेरे भाई की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। क्या हुआ आपके भाई को? मेरे भाई को, वो बेचारा भी ऐसी रोड पे फोन पे बात करते हुए जा रहा था कि पीछे से एक रईस जाद ने गाड़ी से कुचल दिया। उसका तो कुछ गया नहीं, लेकिन मैंने अपने भाई को खो दिया। आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती है। मेरे भाई की क्या गलती थी? वो तो रोड पे चल ही रहा था ना साइड में, लेकिन एक रईस जादे ने कुचल दिया उसे अपनी गाड़ी के नीचे, क्योंकि शायद वो पार्टी करके आ रहा होगा कहीं से। ऐसी होता है मैडम, हमें अपनी जान की ना खुद रक्षा करनी होती है, सामने वाला कभी हमारी लाइफ की वैल्यू नहीं करेगा। क्या होता है ना कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद में मेरा पूरा परिवार टूट गया, बिखर गया। मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई, मेरे पिता कितनी कोशिश करें उसको डिप्रेशन से निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। वो सबसे छोटा था, सबसे प्यारा था। मैडम मैं इसलिए ना हर किसी को समझाता हूँ कि कभी रोड पे चलो ना तो फ़ोन पे बात मत करो, क्योंकि एक गलती की वजह से जान जा सकती है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरे को मेरी जिंदगी की एक्चुअल कीमत क्या है वो बताई है। मैं आज के बाद कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं करूंगी जो मैं आज कर रही थी, सड़क पे चलते टाइम फोन यूज करना। मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कभी बाहर मेरे को अर्जेंट कॉल भी आए ना तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगी, या फिर कहीं साइड में खड़े होकर बात करूंगी, और रोड क्रॉस करते टाइम तो गलती से भी अपना फोन यूज नहीं करूंगी। आपने मुझे सिखा दिया है कि जब एक इंसान मरता है ना तो सिर्फ वो नहीं मरता, उसके साथ उसकी फैमिली की पूरी खुशियाँ मर जाती है। और ना मैं हमेशा अब से हर किसी को यही गाइड करूँगी कि सड़क पे चलते टाइम कभी भी अपना फ़ोन ना यूज़ करें। थैंक यू सो मच, अगर आज आप ना होते ना तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। इट्स ओके, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं उसको ही बचाता। बाकी हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की है कि कभी मोबाइल में इतने मत उलझ जाना कि रोड पे आप चलते हुए या रोड क्रॉस करते हुए लापरवाही करें और आपके परिवार को उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा मिल जाए। क्योंकि ना आजकल मैं देखता हूँ अक्सर यूथ जितना भी है ना वो फ़ोन पे लगा रहता है, और जब रोड क्रॉस कर रहा है तब भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं तब भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये लापरवाही कभी मत करना। बाकी रिंकी मिश्रा चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ में, क्योंकि ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।